गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश के 11 राज्यों में रविंद्र संगीत के सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के अनुयायियों में से 1000 कंठ कवियों ने गुरुदेव द्वारा लिखित गीतों को एक साथ स्वर देकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाया। भिलाई के कला मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के करीब 100 कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी राज्यों से जुड़े कलाकारों की प्रस्तुतियों का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विश्वजीत सरकार ने बताया कि इस तरह का आयोजन भारत में पहली बार हुआ है और गुरुदेव द्वारा लिखित 20 गीतों को 1000 कलाकारों ने अपनी आवाज दी। सभी कलाकार इंटरनेट के वेबसाइट के जरिए एक साथ जुड़े और सामूहिक आयोजन में भी भाग लिया। भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है कि 11 राज्य एक साथ एक ही समय में एक ही ट्रैक पे और 20 गाने जो भी एक ही हैं 20 गाने वो सभी राज्य 11 राज्य वो 20 गाने गा रहे हैं और एक ही समय पे है एकदम टाइम से 11 बजे शुरू हुआ है और उसका 1 घंटे 40 मिनट का जो प्रोग्राम था पूरे गाने पूरे सिंक्रोनाइज्ड वे में किया गया जो भारत में पहले इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और इस आयोजन में जो 20 गाने हैं वो गुरुदेव की अलग अलग प्रकृति के गाने हैं जैसे प्रकृति पर्याय में अगर गाना रहेगा तो उसमें जो 6 ऋतु हैं ग्रीष्म वर्षा शरद शीत ये सभी ऋतुओं के उसके बाद देशभक्ति गीत हैं प्रेम गीत हैं उसके बाद विचित्र पर्याय के कुछ गीत हैं तो सभी गीतों का समन्वय है ये 20 गीतों में। इस मौके पर संगीतमय प्रस्तुति में शामिल होने वाले दुर्ग भिलाई और बिलासपुर के कलाकारों को भी सम्मानित किया गया।